क्यों रे, तू अकेला आया? चारू कहाँ है? चारू कॉलेज में नहीं है माँ जी। कॉलेज में नहीं? हाँ, है कहाँ गई होगी? सब जगह देखा? सब जगह देखा तो फिर वो फ्रेंड के घर गई होगी। क्या हुआ, चुपचाप क्यों खड़े हो? सुनिए ना जी, चारू कॉलेज में गई थी। हाँ बोलिए, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ बोलो। कॉलेज में गई थी चारू, अभी तक घर नहीं आई। सब जगह देखा, ड्राइवर ने, कहीं नहीं मिली। तुम्हारी बेटी भाग गई है। क्या कह रहे हैं आप? ए, उसने हम लोगों को धोखा दिया है। मेरी शर्ट लेकर आओ। नहीं जी, वो ऐसा नहीं करेगी। शर्ट ले क्या? मैंने बोला ना, वो भाग गई। बेटी। हाँ पापा। ये लो, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए। अरे सुनो, कबीर किधर है? वो कॉलेज गया है। ए, जी साहब, कहाँ मर गया? गाड़ी निकाल दो सर। सुनिए जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तेरी बेटी के ससुराल जा रहा हूँ, शादी की बात करने। समझ आया? चार बज गए, अभी तक आया नहीं। पापा, आप परेशान मत होइए, भैया छोटे बच्चे थोड़े ना हैं। जाओ जाके देखो। जी भाई। ए, ए, चल भारा, क्या हो रहा? भारा, चल, भाई बुला रहे हैं। चल, क्या कर रहे हो? चल, चल, ऐसे क्यों कर रहे हैं? बेटा कहाँ है? वो तो कॉलेज गया है। वो कॉलेज नहीं गया, भाग गया। उसको बहुत चर्बी हो गई है। वो मेरी बेटी को लेके भागा है। नहीं नहीं। ए, तेरे घर में तेल है ना? वो तेल अपने सर पे लगा के सो जा, तुझे तेरे बेटे की उंगली तक नहीं मिलेगी। चलो रे। पढ़ाई करनी है बोलकर आज मेरे सर पर कितना बड़ा बोझ डालकर चला गया वो। ए, छोड़ना, इतनी जल्दी क्या है तुझे? पानी तो डालना है ना, बाद में डाल दूंगा। चैन से पीने भी नहीं देते। ए भाई, कौन है बे तू? यहाँ क्या कर रहा है? तुझसे ही पूछ रहा हूँ, कौन है तू? हाँ, अरे तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या चाहिए तुझे? कौन है तू? हाँ, सुनाई नहीं देता क्या? सर, ये लीजिए सर, रख लीजिए सर। और कुछ चाहिए क्या? सुनो ना, ओके, ये लो। बाय।
साहब। क्या है साहब? वो क्या चाहिए तुझे? साहब कुछ नहीं। कुछ नहीं चाहिए तो पुलिस स्टेशन क्यों चले आए? उनसे कोई जरूरी काम था साहब। ए, चलो हटो, इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। चलो चलो। यस सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। बिरयानी लेकर आ रहे हैं? अरे ये साहब के लिए है। इतना सारा? ए साहब अभी डाइटिंग कर रहे हैं इसलिए ये कमी है, नहीं तो बड़ा टिफिन लेके आते हैं। अभी तू चुपचाप बैठ। ये क्या है, ये लेग पीस इतना छोटा क्यों है? आपके जैसा पीस नहीं है सर, इसीलिए छोटा है। मुझे सब मालूम है, लेकिन तू ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। अभी जा, तू बाद में आना। सर आपके साथ इधर घूर के मत देख, तू पीछे मुड़ के खड़े रह। ये क्या, ये क्या, ये सब क्या हो रहा है? बस एक ही लेग पीस सर। अब तू इसे खा सकता? कोई बात नहीं, साफ कर लूंगा सर। बिल्कुल शर्म नहीं है इसे। तेरे से ज्यादा मोटे। यस सर। पहले टोपी पहन लो। क्या ये सब क्या लगा रखा है? यस सर। ये कोई होटल है क्या? डिपार्टमेंट का नाम खराब करके रखा है तुम लोगों ने। कहिए क्या बात है? वो क्या है कि बेटा गणपति मंदिर गया था, ये लो प्रसाद ले लो। हाँ तुम्हारे लिए डोसा बनाया है, खा लो। डोसा बनाया है क्या? हाँ सांभर भी बनाया है, लो खाओ। जल्दी करो माँ, कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है। आराम से खाओ। माँ पापा कहाँ गए? ड्यूटी पे गए हैं। अरे अरे रुको रुको रुको, अरे रुको। क्यों अपनी जान देने पर तुले हुए हो, दूसरे बस में आ जाते ना। तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है कि जो ऐसे भाग के आ रहा है? घर में परिवार है कि नहीं है? ये बस छूटने के बाद दूसरी बस एक घंटे बाद आती है, इसलिए भाग के चढ़ा। ठीक है, कहाँ जाना है? जाना है। दस रुपए दो। ले लो। ठीक से देख लो। हाँ चलो चलो। हाँ ठीक है, चलो गाड़ी निकालो। क्यों रे, गाड़ी में खड़ा होके नाच रहा है क्या? पीछे जाके बैठना। नहीं मैं ठीक हूँ। अरे बस में सीट खाली पड़ी हुई है, जाके बैठना। खड़ा क्यों है? कोई बात नहीं, मैं खड़ा ही रहूंगा। ओ भाई ड्राइवर बोल रहा ना पीछे जाकर बैठने के लिए, सुनाई नहीं देता क्या आपको? नहीं बैठ सकता ना मैं यार, क्या समझते नहीं हो तुम लोग? ए इधर। हाँ क्या बात है? बैठने का कोई प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर बैठता क्यों नहीं है? अरे यार मारू मत, बताता हूँ। देखो क्या है, मैंने बस का बहुत इंतजार किया लेकिन बस नहीं आई, फिर पेट में गुड़गुड़ 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 होने लगा, तभी बाजू के खेत में बैठ गया। और मैं जब बैठा था तभी तुम बस लेकर आ गए और तुमने पी 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 करके हॉर्न बजाया। कैसे पी पी पीपी सुनकर मैं भाग कर आ गया। नहीं क्या तो घर जाकर धो लूंगा। चल चल बैठ पीछे। मेरी बात समझो यार, मैं धो लूंगा। अरे घर जाकर धो लूंगा। अच्छा अच्छा यही धो लेता हूँ। नहीं मैं नीचे धो लेता हूँ, अभी आता हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं बेवकूफ कहीं है। अरे अरे रुको रुको, अरे मैं धो रहा हूँ, अरे मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे रुको, तुमने बोला तो मैं धोने के लिए नीचे उतर गया। कैसा आदमी है, धोने के लिए नीचे उतारा और गाड़ी लेकर भाग गया। उठो आराम से। सॉरी हाँ सॉरी। इट्स ओके कोई नहीं। क्या हो गया? आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। नहीं मैं ही सीख रही हूँ, मेरी ही गलती थी, कोई बात नहीं। आई एम सॉरी।
अरे आपके हाथ में तो बहुत चोट लग गई है, रुकिए मैं कुछ लगा देता हूँ। अभी आराम हो जाएगा। अब मैं ठीक हूँ, थैंक यू। हेलो हेलो, तुम क्या कर रहे हो? रुको रुको रुको, अपना हाथ देख रही हो तुम? कितनी ज्यादा शिवरिंग हो रही है। इस तरह के टेंशन में अगर तुम गाड़ी ड्राइव करोगी तो एक एक्सीडेंट और हो जाएगा। थोड़ा रिलैक्स कर लो। पियो ना। थैंक यू। कोई बात नहीं। अब हाँ ठीक है ना? वेट वेट वेट, वीडियो निकालती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। एक फोन करना है। हाँ चल ना। एक मिनट एक मिनट। इसका हमेशा का है। कबीर, मैं माँ बोल रही हूँ। कौन चाहिए आपको? हेलो, कबीर है क्या? सॉरी, रॉन्ग नंबर। हेलो, मैं बोल रही हूँ जी। हाँ बोलो। कबीर को सामान की लिस्ट दी है, उसमें गुड़ लिखना भूल गई हूँ, आप आते समय लेते आइएगा। हाँ मैं लेके आता हूँ ना। मैंने कबीर को फोन किया था। हाँ? एक लड़की ने उठाया था, उसने कहा रॉन्ग नंबर है। कबीर कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना? प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है? मुझे ये सब सोच के बहुत डर लग रहा है जी। छी छी, क्या पागलों जैसी बात कर रही हो। हम विश्वास करेंगे तभी तो लोग विश्वास करेंगे। तुमने गलत नंबर लगाया होगा। मैंने सही नंबर लगाया था जी। ठीक है ठीक है, मैं उसे फोन करता हूँ। ठीक है। क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? शंभु, जरा अपना फोन तो देना। क्यों? बेटे को फोन करना था। तो अपने फोन से कर लो ना। मेरे फोन में आउटगोइंग नहीं है। कैसे होगा, जब से फोन खरीदा है तब से एक बार भी टॉपअप नहीं किया। अरे आप हर बार 10-15 रुपए का टॉपअप करवाते हैं, पैसा कमाने के बाद भी इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? वो क्या है कि ऐसे ही 10-5 रुपए इकट्ठा करके बेटे को डॉक्टरी पढ़ा रहा हूँ, कम से कम बचे पैसे से उसे जूस तो पिला सकता हूँ। तुम्हारे बेटे की डॉक्टर की पढ़ाई के लिए मेरे फोन से कॉल करना है, ठीक है? लो बात करो। हेलो, कबीर है क्या? आपको कौन चाहिए? कबीर वो मेरा। कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है, यहाँ कबीर वबीर कोई नहीं है। हेलो, कहा ना कबीर कोई नहीं है। मैं कबीर बोल रहा हूँ। क्या कबीर, क्या सोच रहे हो तुम? तुम कोई बड़े हीरो हो क्या? नहीं, आज सुबह ही आया हूँ। क्या आया गया, क्या बोल रहे हो, कुछ पता भी है क्या? मेरे पापा को बताऊंगी ना तो ठीक कर देंगे। फोन रखो अब। हेलो, पहले ये चेक करो कि किस नंबर से कॉल आया है तुम्हें। मेरा नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? ठीक है, आप अभी किधर हो? सम्राट रेस्टोरेंट में। ठीक है, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, मेरा नंबर तुम्हारे पास कैसे आया ये बताओ। आपके हाथ में जो बैंडेड है उसे देख लो, पता चल जाएगा। आओ बेटा। माँ ने सामान की लिस्ट दी हुई है। लाओ मुझे दो। क्या हुआ, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं। मुझे फोन किया था क्या? नहीं नहीं, हाँ हाँ। किसी लड़की ने बात की? हाँ बेटा। यहाँ आते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हें कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ पापा, मैं कॉलेज से आ रहा था। फिर तभी एक लड़की से मेरी टक्कर हो गई। अच्छा। और टेंशन में हम दोनों का फोन बदल गया, वही फोन वापस लेने जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ हुआ क्या? अब ठीक है ना? ठीक हो ना तुम? ठीक है पापा। जा जा बेटा जा। ये लो तुम्हारा फोन। सॉरी। इसमें सॉरी की क्या बात है, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। आपके फोन पर कॉल आए थे और मैं उन सब पर बहुत चिल्लाई भी थी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। डैड के नाम से 4-5 बार कॉल आ रही थी। ओ, अपने कॉल अटेंड की? हाँ, थी। डरो मत, मैंने कॉल अटेंड नहीं की। किसी लड़की के फोन पे किसी लड़के की आवाज सुन के पापा को क्या फील होगा ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। थैंक यू। ओके बाय। एक्सक्यूज मी, मेरा फोन है, ये कैसे पता चला? मोबाइल में भी मेल और फीमेल जैसी बात होती है, अपना मोबाइल चेक करके देख लो। चारू, तुमको 2-3 बार फोन किया था, फोन क्यों नहीं उठाया?
पापा कुछ पूछ रहे हैं, सुनाई नहीं देता, जवाब दे उनको। क्या माँ? फोन क्यों नहीं उठाया? नहीं पापा, स्पेशल क्लास। मुझे क्यों मारा? ये झूठ बोल रही है। नहीं पापा, प्रॉमिस। ये झूठ बोल रही है। ए, बार बार मैं मार नहीं खाना चाहती, सच क्या है बोल दे। बोलती हूँ। बोल। स्कूटी पे आते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। लगा तुझे? चोट ज्यादा लगी है क्या? नहीं पापा, डर गई थी तभी फोन मिस हो गया था। कॉलेज गई तब फोन मिस हुआ है ये पता चला। मुझे लगता है आपने उसी वक्त फोन किया होगा। बाद में एक्सीडेंट हुआ उधर जाकर देखा तो एक फूल वाली ने मेरा फोन रखा था। खाना खाओ। खा ले बेटा, खाना खाओ। बस हो गया, ठीक है, जाकर आराम करो। सुनिए जी, वो हमारी बेटी है, उसके साथ इतने गुस्से से क्यों बात करते हैं आप? आपको अपनी बेटी से प्यार नहीं है क्या? प्यार है उसे, लेकिन साथ में डर भी लगता है। कबीर है क्या? कबीर है क्या? मैं कबीर बोल रहा हूँ। किसी लड़की के फोन पे किसी लड़के की आवाज सुन के पापा को क्या फील होगा, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। के नाम से सेव करती हूँ, आई थिंक वही ठीक रहेगा। जल्दी खाना दे दो, ड्यूटी पर जाना है। ये लीजिए। क्या है ये, बस इतना सा खाना दिया है? पूरा बदन दर्द कर रहा है, डॉक्टर ने सिर्फ गेहूं खाने के लिए कहा है। आपको मच्छी खाने का मन है ना, तो खुद ही बनाकर खाओ। ये चर्बी बहुत चढ़ गई है। ओहो, मुंह फुलाकर चली गई है, इस गेहूं से बनाया खाना कैसे खाएंगे? सुनो ना। क्या है? मेरी माँ और कुछ है क्या खाने के लिए? जो था वो आपने दीवार पे फेंक दिया, मैं क्या करूँ? ठीक है, वो लेकर आओ, खा कर जाता हूँ। कैसी औरत है ये, जब देखो तब झगड़ा करती रहती है। पूरा खाना दीवार पर चिपका दिया। ची ची। खाओ। हाँ जाना, जाके काम कर अपना। बता खड़ी है, इसमें तो चूना भी चिपक कर आ गया है। भाई, इस दिन का लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। पूरी गांव की लड़कियां यहीं पर इकट्ठा होती है, आप भी कोई अच्छी लड़की पटा लो। तो मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़े नहीं आता? आप इतनी शराफत मत दिखाइए, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आज ही से कुछ नहीं, दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। मंदिर बंद हो गया है और प्रसाद वगैरह सब खा के निकल चुके हैं, और आप है कि भगवान के दर्शन करने के बजाय किसी और के ही दर्शन कर रहे हैं। तूने सब, एक शरीफ आदमी ऐसा करेगा तो हमारा क्या होगा? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे मंदिर बंद हो चुका है, आप कहाँ जा रहे हो? चलो कोई भाई नहीं। वो लड़की पटी वटी क्या नहीं? अगर कुछ मदद चाहिए तो बोलना, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तू जा, मैं उसको संभाल लूंगा। उसके रिएक्शन से तो लग रहा था कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ है, लेकिन फिर भी देखता हूँ। ओह, मेरा नाम पता है उसे, अब भी देखो। Who are you? Who are you बोल रही है? कुछ भी याद नहीं है। ओके। के गर्ल्स साइकोलॉजी उसे अच्छी तरह से पता है। अरे लेडीजों को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जल्दी ओके तो मैं नहीं कहूंगी, थोड़ा इंतजार करो। क्यों री, हमेशा डब्बे में खाना रखती हो, इसमें तो कुछ भी नहीं है। खाना रख के क्या करना है, दीवार पर ही फेंकने वाले हो ना? क्या बोल रही है? इसलिए दीवार पर ही चिपका के रखा है, निकालो और खा लो। हे भगवान, मेरी जिंदगी ऐसी ही हो गई है, दीवार पर चिपका हुआ खाना ही खाना पड़ता है। अच्छा है। आ रही है भगवान, आ गई। जब वो आती है तो सारी रोमांटिक फीलिंग चली जाती है, हाथ पांव कांपने लगते हैं। हे भगवान, किसी तरह से मेरी जोड़ी बना दे। भगवान, मैं आपको 100 नारियल चढ़ाऊंगा अगर आपने मेरी जोड़ी उससे बना दी। रात में तो बहुत शाइनिंग मार रही थी, दिन में डल क्यों हो गई? मैंने जल्दी कर दी क्या? भगवान मान जाएगी ना?
मैं यहाँ कब से खड़ी हूँ? ये ऐसे क्यों खड़ा है? बात क्यों नहीं कर रहा है? ये तो पागल है पूरी तरह। नहीं नहीं, मैं ही पागल हूँ जो मैं यहाँ आ गई। ओ, पूरा दिन ऐसे ही खड़े रहेगा क्या? बुद्धू बुद्धू कहीं का, मुझे ही कोई आइडिया करना पड़ेगा क्या करूं। बात करने तो आता नहीं है इसे। मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ? अरे बोलना यार, नारियल कैंसिल, भगवान ने भी मेरी मदद नहीं की। शे अब आओ भी जल्दी। क्या हो गया, यहाँ क्यों खड़ी हो? वो स्कूटी का टायर पंक्चर हो गया है, तुम मुझे लिफ्ट दे दोगे? भैया ये कौन है? हे माय सिस्टर हेमा। हेमा मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी कॉलेज फ्रेंड चारू। फ्रेंड है? भैया मैं आपसे सिर्फ 2 साल छोटी हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। और आपको इससे अच्छी लड़की नहीं मिली क्या प्यार करने के लिए? ए हेमा पहले तू घर के लिए निकल। भैया मुझे डराने की कोशिश मत करो, नहीं तो सब कुछ घर पे बता दूंगी मैं। अरे अरे मेरी हेमा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लड़की है मेरी बहन। अब मैं जो बोल रही हूँ पहले वो सुनो, तुम घर चलो पहले। लेकिन तू? मुझे इससे बातें करनी है। हाँ कबीर जाओ तुम। भैया अब इसने भी कह दिया ना जाने को, जाओ जाओ जाओ, हवा आने दो भैया। ठीक है, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। क्या हुआ भैया, जाओ ना। हाँ जा रहा हूँ ना। माँ? कबीर क्या है बेटा, आज भी लेट हो तुम, कॉलेज से जल्दी नहीं आ सकते? ऐसे क्यों देख रहे हो बेटा? वो हमारी हेमा की फ्रेंड है, उसका नाम चारू है। अरे अभी यहाँ ऐसे खड़े क्यों हो? जाओ हाथ पांव धो के जल्दी से आ जाओ, पूजा का समय हो गया है बेटा। ये क्या है भैया, माँ देख लेंगी। हाँ ठीक है। भैया समझ नहीं आ रहा क्या? जाओ। नमस्ते गरुड़ा रुड़े गोला शुरू बाएंगे शर्मा बाबा हरे गेरी बाबा लक्ष्मी नमस्ते। ये लो प्रसाद, अभी आइए, ये आपके लिए। वापस आना फिर, तुम्हारी शादी जल्दी हो जानी चाहिए। हाँ हाँ तुम्हारी बात सच हो रही है माँ, शादी जल्दी होगी ना, है ना चारू? इसके अंदर एक धागा है, हाथ में बांध लो। लो मैं बांध देती हूँ। हे माँ। हाँ माँ अभी आती हूँ। भैया इसे आप ही बांधो। हाँ। धागा अच्छे से बांधना भैया। नमस्ते जी। बैठो। तुमने सब डॉक्यूमेंट ठीक बनाया ना? सब ठीक है सर। काम अभी पूरा करोगे? हाँ करूंगा मैं। ठीक है करो। ए चश्मा निकाल। चल साइन कर। ये आप बहुत अन्याय कर रहे हैं साहब। कैसा अन्याय? तुमने पैसा लिया है ना मुझसे? 5 लाख लिया था। और लेकर कितने दिन हो गए? याद नहीं है। क्या याद नहीं है? 8 साल 5 महीने हो गए। 1 साल का ब्याज 50,000 रुपए होता है, तो 8 साल और 5 महीने में कितना होगा टोटल? 60-70 लाख से ज्यादा हुआ। आज तक पैसा भी नहीं मिला और ब्याज भी नहीं मिला। अब पूरे के बदले में तेरा घर लिखवाने जा रहा हूँ। अब बोल तेरे साथ अन्याय कर रहा हूँ क्या? न्याय कर रहा हूँ ना? हाँ न्याय। चल फिर साइन कर। जी ये लो यहाँ साइन करो। इधर भी। चलता हूँ सर। ए इधर इधर। मैं किसी को खाली हाथ जाने नहीं देता। चल जा, ये ले रख ले।
50 लाख हड़प के 5 लाख दे रहा और ऐसे लग रहा है जैसे भीख दे रहा। भैया जी नमस्ते। हाँ आइए। थिएटर का मालिक बदले हुआ मालूम है ना? हाँ सर बोला था। आइए अंदर आइए। अंदर सब काम ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ सब। हाँ ये है ऑपरेटर रूम। नमस्ते साहब। यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है ना? बिल्कुल साहब। साहब ये ऑपरेटर रूम है। एए, ये क्या है? किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो इसलिए। तुम्हारे पापा के डर से गांव से 15 किलोमीटर दूर हम लोग फिल्म देखने के लिए आए। पूरे हॉल में अंधेरा है, फिल्म चालू है और तुम यहाँ डाकू बन के बैठी हो। कोई नहीं पहचानने वाला। बताओ ये सब। रोहित की शोहरत सच में मार करने लगी और एक दिन एक खास मकसद से रोहित को सिंगापुर बुलाया महान साइंटिस्ट डॉक्टर सिद्धांत। ए मैनेजर साहब। हाँ? सब पहले जैसे चलेगा ना काम? बिल्कुल रहेगा साहब। कुछ गलत तो नहीं होगा ना? नहीं साहब। मेरे बारे में मालूम है ना? मालूम है सर। उनकी बेटी रोहित और नई फिल्म लगाऊंगा तो फिल्म चलेगी क्या? चलेगी साहब। अच्छा हम चलते हैं। ए ओमकार इन्होंने थिएटर लिया हुआ है। चला साहब। हाँ ठीक है। ठीक है साहब। सर बिटिया की गाड़ी है ना? हाँ उसी की गाड़ी है। अभी तुम चुप रहो। ए मैनेजर हम लोग फिल्म चलिए चलिए देखते। फोन लगाओ। हेलो करण है क्या? हेलो करण है क्या? रॉन्ग नंबर। किसका फोन है? कुछ नहीं रॉन्ग नंबर था, कोई करण नाम से पूछ रहा था। छोड़ो ना फिल्म देखो फिर फोन लगाओ। अब कौन है? वही नंबर है। हेलो राजेश्वरी। कितनी बार बोला रॉन्ग नंबर है, फोन रख। मैं चलता हूँ, वो लड़का कौन है उसके बारे में पूरा पता लगाओ। ठीक है सर। ये क्या? ये तो मेरी तरफ ही सीधा चला आ रहा है। सब लोग नीचे जाओ। ए तू नहीं नीचे। ए नीचे उतर। ये मुझे उतरने के लिए क्यों बोल रहा है? साहब नमस्ते साहब। पता नहीं क्या बात है। बैठो। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अरे बैठो। ठीक है सर। क्या हुआ? मुझे तुम पहचानते हो? क्यों नहीं, आपको कौन नहीं पहचानता, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं सर। लेकिन तुम कौन हो? आज सवेरे तक मुझे मालूम नहीं था लेकिन अभी मुझे तुम और तुम्हारी कुंडली के बारे में पता चला है। साहब कोई गलती हो गई क्या? तुम्हारे बेटे का नाम कबीर है ना? जी साहब। वो डॉक्टर बनने जा रहा है ना? हाँ जी। तुम बस में पैसेंजर से 1 रुपया 2 रुपया जमा करके बेटे को पढ़ाई करवा रहे हो लेकिन वो बहुत बड़े ख्वाब देख रहा है पता है? लेकिन वो ऐसा वैसा लड़का नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है साहब। मैं ये सब बोल रहा हूँ तो क्या मैं पागल हूँ? मेरे थिएटर में मेरी बेटी के कंधे में हाथ रखकर वो सिनेमा देख रहा था। अगर मैं चाहता तो उसे वहीं खत्म कर देता। लेकिन मैं इसलिए चुप रहा कि मैं उसके असलियत जानना चाहता था। नहीं साहब इतनी जल्दी में कुछ मत करो साहब, वो आपकी बेटी है ये बात उसे पता नहीं होगी। मैं उसे समझाऊंगा साहब, फिर वो आपकी बेटी के आसपास नहीं जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ साहब, मुझ पर भरोसा कीजिए। कल उसे मेरे पास ले के आना और उसे बोलना कि वो यही सब बोले। साहब जरूर बोलेगा साहब, मेरा एक ही बेटा है ना, उसे बहुत प्यार दिया है मैंने, मेहरबानी करके उसे माफ कर दीजिए। उसे सिर्फ मेरी बेटी से दूर रहने बोलो, ऐसा हुआ तो मैं उसे उंगली तक नहीं लगाऊंगा, नहीं तो।
क्या जी? हाँ? आप कब आए? अभी अभी आया। कुछ खाया आपने? कुछ बना दूं? नहीं नहीं। क्या हुआ जी? आप थके हुए लग रहे हैं। बस ऐसे ही, थोड़ा काम ज्यादा था। बच्चों ने खाया? हाँ, उन लोगों ने खाना खा लिया। तुमने खाया? हाँ, मैंने भी खाया। कबीर किधर है? अंदर कमरे में पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। किचन में बहुत काम है, मैं वो करके आती हूँ। ठीक है। कबीर, बेटा कबीर, मैं हूं, तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। हाँ बताइए ना। बेटा उस लड़की को भूल जाओ बेटा। हाँ? आज उस लड़की के पापा मुझसे मिलने आए थे बेटा। वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं। बचपन से आज तक तुमने हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं दी है बेटा, हमेशा हमारा ख्याल रखा। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुझ पर और तेरी बहन पर कभी हाथ नहीं उठाया। कभी चोट लग जाती तो हमारी जान निकल जाती। ऐसे में कोई आदमी अगर तुम्हें काट डालने की बात करे तो कैसे कैसे सहन करूंगा मैं, तकलीफ होती है। मैंने उनको बोला कि मेरा बेटा बाकी दूसरे लड़कों के जैसा नहीं है। मैंने उनसे बोला कि कल अपने बेटे को आपकी फैक्ट्री में लेकर आऊंगा और आपके सामने उससे वादा कराऊंगा कि वो आपकी बेटी से कभी ना मिले। मेरी इज्जत बचा लो बेटा, तू मेरा समझदार बेटा है, उम्मीद है कि मेरी बात समझेगा। नमस्ते जी। साहब से मिलना था। वो अभी यहाँ आने वाले हैं, आप वहां जाकर खड़े हो जाइए। ठीक है, आ जा बेटा। ए बेटा, हाथ ऊपर करो। नमस्ते साहब। बाकी लोग किधर गए? नाश्ता करने गए हैं क्या? हाँ सर, इन लोगों को बुलाया है, उसको बराबर काम करना है ना। नहीं, मेरी बात सुनो, पहले हम बात करके देखते हैं, अगर नहीं माना तो बाप ने क्या करना है मैं बताता हूँ। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। क्या सुना नहीं क्या? ए, बाजू में कोई काम करता है क्या? हाँ, ए अगर मैं उधर आया तो काट के रख दूंगा, फोन दे उसको। ए, सुन, तू जहां बैठा है उधर ही बैठा रहे, मैं अभी 5 मिनट में आता हूं। साहब, क्या है? साहब से बात करनी थी। भाई बहुत गुस्से में है, तुम दूसरी कंपनी में आओ। नहीं पापा, हम घर चलते हैं। नहीं बेटा, बिना मिले नहीं जाएंगे आज। पापा वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। मालूम है बेटा, पैसे वाले ऐसे ही होते हैं। आजा बेटा। साहब, तुम लोग आ गए? साहब से मिलना था साहब। अपने बेटे को भेजो, इसे अकेले जो कहा है वो सुनो, चलो भेजो। कबीर, मैंने जो बोला था वैसे ही बोलना बेटा,
हमें अपना परिवार देखना पड़ता है, बड़े लोगों से झगड़ा मोल नहीं दे सकते। जा बेटा। सेंटिमेंट होके मेरे पापा को डराया, एक लड़की के बाप को, इसलिए आपने ऐसा किया। लेकिन एक लवर होने के नाते आपसे बात करना मेरा फर्ज है। थर्ड ईयर का मेडिकल स्टूडेंट हूं, अगले 2 साल में बड़ा डॉक्टर बन जाऊंगा, अच्छा कमाऊंगा। आपकी बेटी को आपसे ज्यादा अच्छे से संभाल के रखूंगा। आजा बेटा, साहब से वैसी बात किया ना जैसे मैंने कहा था। चल बेटा। हाँ। चल। क्या है, आप जाओ ना यहाँ से। साहब से एक बार मैं भी मिल लूँ तो। तुम्हारे बेटे ने बात कर ली है ना, जाओ। फिर भी जाने के लिए कहा ना, जाओ। चारू, हमारे लव के बारे में तुम्हारे पापा को पता चल गया। क्या कह रहे हो? डरने की कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है। हमारे प्यार के बारे में तुम्हारे पापा ने कुछ भी नहीं बोला। नहीं नहीं, तुम मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं जानते। चलो यहाँ से, चलो। बताओ ना, बात क्या है, डर क्यों रही हो इतना? चलो यहाँ से कबीर, चलो ना, मैं कह रही हूँ चलो। पापा, बहुत हीरो है। पापा छोड़ो। और... पापा ने एक थिएटर खरीदा है। थिएटर का नाम क्या तुझे मालूम है? चारू मनी टॉकेज। अच्छा लगा है। कसम खाओ। नहीं चारू, कसम कसम मत खाना चारू। नहीं नहीं चारू, नहीं चारू, कसम मत खाना चारू। नहीं चारू, नहीं चारू, नहीं चारू। Thank you.
Hi. Welcome, ma'am. Brochure. Okay. Please be seated. Welcome, sir. Body massage करना है. Brochure देख लीजिए सर. बैठिए सर. Hello. बोलो. Michael. Okay. Address बोलो. रात को आऊंगी. कितने बजे? Okay. भैया जी, हर जगह ढूंढ ढूंढ के थक गया, वो दोनों किधर भी नहीं दिखे. पता नहीं वो दोनों कहाँ छुप गए. अभी किधर ढूंढूं समझ में नहीं आ रहा है. हाँ, हेलो, आप कहाँ पर हो? बॉडी ले रहा हूँ यार. अच्छा, बॉडी ले रहे हो, तो फिर ठीक है, मेरे साइज का भी एक दो लेके आना. ए, इधर डेड बॉडी निकाल रहा है, फोन रख दो. किस टाइम पे क्या बोल रहा है मालूम नहीं. एक साल में कितना बॉडी निकालना पड़ता है, और वो भी अलग अलग जगह से. चीची, ये लाठी दो मुझे. पीस पीस करके फेंका था साहब, जो मिला है वही उठाकर लाया हूं. कोई मिसिंग केस या कंप्लेंट है क्या? है ना सर, दिखाओ. दो मिसिंग केस हैं. ये उसकी फोटो है सर. मुझे तुम पसंद आई. ए, फोन आ रहा है, चुप रहो. हेलो मामा, मैं बोल रहा हूँ. हाँ बोलो बेटा. चारू है क्या? चारू वो तो कॉलेज गई है. आप झूठ क्यों बोल रहे हैं मामा? वो मिसिंग है, ऐसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट आई थी. वो किसी के साथ भागी थी ना. अब आकर मुझसे मिलिए. ए, पुलिस में कंप्लेंट किसने की? मैंने की थी. ए, तुमने कंप्लेंट क्यों की? वो गुस्से में कुछ कर लेगी ऐसा सोच कर मैं डर गई थी. ठीक है ठीक है, मालूम हो जाएगा हमारी बेटी है या नहीं. लेकिन आने वाले जवाई को क्या बोलेंगे? पूरी डिटेल यह है कि खूनी ने ब्लेड या छुरी की जगह शायद किसी सर्जिकल नाइफ का इस्तेमाल किया है. वो खूनी जरूर कोई साइको किलर रहा होगा.
क्या हुआ बेटा, तुमने हॉस्पिटल में क्यों बुलाया? हाँ आइए। चारू को क्या हुआ? आइए ना, बता। चारू किधर है? कहाँ है? आप आइए ना, मैं बताता हूँ। ये तुम हम लोगों को शव गिरा क्यों ले जा रहे हो? कुछ नहीं, आप चलिए। क्या हुआ बेटा, देखो मुझे बहुत डर लग रहा है। ये एक सुसाइड केस है, कंफर्म करने के लिए आपको। किधर है मेरी बेटी? वही, कैसे बताऊं आपको, समझ में नहीं आ रहा मुझे। मेरी बेटी कहाँ है? चारू है या नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट। नहीं, वो मेरी बेटी नहीं हो सकती, वो मेरी बेटी नहीं हो सकती। मुझे भी ऐसा लगता है कि वो चारू नहीं होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी एक बार तसल्ली कर लेंगे तो अच्छा होगा। मेरी बेटी, प्लीज एक बार आकर देख लीजिए। मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। आइए, बताइए ना कहाँ है मेरी बेटी। चारू देखिए, बस यहीं रुक दो, ये लो। अब आराम से आना बेटा, आराम से हाथ पकड़ लो मेरा, धीरे से झटका नहीं। चल कबीर, आराम से या? आराम से। अरे कुछ नहीं। अच्छा, ऑटो में कुछ सामान है, उससे पापा लेके आते हैं। ठीक है, आराम से जाइएगा। अच्छा। आराम से जाइए। सा ला, मैं पकड़ती हूँ माँ। चल आराम से बेटा, आराम से भैया, संभल के आराम से आ जा, बैठ जा, बैठ जा ठीक से। हाँ ठीक है, तुम जाकर कुछ पीने के लिए लेकर आना। नहीं पापा। अरे बेटा, बेटी तुम मेरे साथ आओ, दूध लेकर आना। हाँ ठीक है। इस समय अगर मैं कुछ बोलूं तो ठीक नहीं होगा, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है बेटा। कबीर, वो लड़की हमारे घर के लिए नहीं है, तुम उसे भूल जाओगे, मुझसे वादा करो। मुश्किल है, मुझे पता है, तुमने उसे बहुत प्यार किया है, वो तुम्हारा सपना है, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे प्यार से ज्यादा तुम्हारी जान प्यारी है बेटा। बेटे को बाप की चिता को आग लगानी चाहिए, कहीं इस बाप को ना ऐसा करना पड़े, ये सोचकर बहुत डर लगता है बेटा। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। बेटा मुझसे वादा करो कि तुम उस लड़की को हमेशा के लिए भूल जाओगे। जो प्यार एक परिवार की खुशी को खत्म कर दे वो मुझे नहीं चाहिए, कसम खाओ बेटा। Thank you.
पापा 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 माँ पापा माँ माँ जल्दी आओ पापा पापा दरवाजा खोलो माँ ने खोला पापा ने खुद को अंदर बंद कर दिया पापा 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 दरवाजा खोलो पापा क्या हुआ रो क्यों रही हो भैया बेटे दोनों बातें कर रहे थे इन्होंने कहा कि उस लड़की से रिश्ता नहीं हो सकता अपने आप को दरबंद कर लिया और ये है कि उनकी बात ही नहीं मान रहा अरे दरवाजा खोलो खोलो दरवाजा क्या कर रहे हो तुम अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या दो जवान बच्चों के होते हुए ऐसा काम कर रहे हो तुम ये देखो सब लोगों का क्या हाल हो गया है ऐसा क्यों कर रहे थे तुम मालूम है शंभु वो मेरे बेटे को मार डालेगा और ये मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता एक बाप होने के नाते अपने अंदर इतनी हिम्मत कहां से लेकर आऊं मैं रोज पेपर में पढ़ते हो ना खून मार झगड़ा सब प्यार की वजह से होता है लेकिन इधर प्यार का प्रश्न नहीं है इधर तो अमीरी और गरीबी का प्रश्न है जो इस देश से कभी भी नहीं जाने वाला है शंभू सुना सुना तुमने पाई पाई जमा करके तुमको पढ़ाया और तुम ऐसा काम करते हो तुम्हें अकल है कि नहीं जैसा ये बोलते हैं वैसा ही करो पापा जैसे कहेंगे मैं वैसा करूंगा मैं उस लड़की को भूल जाऊंगा देखो मेरी बात ध्यान से सुनो वो बहुत अच्छा लड़का है वो आईपीएस ऑफिसर है उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है उसे तुम पसंद आई तो तुम्हारी शादी कर दूंगा तुम्हारी पसंद की मुझे परवाह नहीं उसे तुम पसंद आई तो शादी तय समझो बेटा कहिए सर मुझे कॉफी चलेगी आपको कॉफी चलेगी क्या ओके दो कॉफी एक्सक्यूज मी कहिए दो कॉफी लाना हाँ ठीक है सर हेलो ए कबीर कहाँ है तू कॉलेज में हूँ तुझसे एक जरूरी बात करनी है जल्दी आकर मिल अभी मैं नहीं आ सकता अरे जल्दी आना मेरा मूड नहीं है यार वहाँ आने का और वैसे भी मैं क्लास मिस नहीं कर सकता अरे चारू के बारे में बात करनी है क्या चारू चारू को क्या हुआ क्या हुआ चारू को तू पहले जल्दी से आया एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है वो मुझे तुम पसंद नहीं आई दरअसल मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ शौक हो गई ना मैं ऐसे ही कुछ बोलूंगा तुम्हें लग रहा था ना नहीं मुझे तुम बहुत पसंद हो हैव इट कम ऑन रुको वन सेकेंड कब जरा नीचे रुको हाथ दिखाओ हे क्या हुआ तुम्हारे हाथ को इतना कांप क्यों रहा है फर्स्ट टाइम है ना इसलिए क्या क्या हुआ छोड़ना मुझे इतना नर्वस क्यों हूँ हाँ मैं तुम्हारा अपना ही तो हूँ ए यार ये क्या है इसके लिए तू इतना रो रहा है हाँ ए अरे रो मत यार अरे सुनना अरे इतना रोने का क्या मतलब है हाँ अरे अरे सुन तो मेरी बात अरे छोड़ना मुझे जाने दे अरे इतनी सी बात के लिए तू भी ना अरे अरे सुन ना मेरी बात कहाँ जा रहा है हाथ जोड़ता हूँ मुझे जाने दे अरे सारी लड़कियाँ ऐसी ही होती है यार सुन ए चारू आओ बेटा बैठो चारू से सब बात हो गई ना हाँ हो गई आई थिंक चारू भी मुझे पसंद करती है बाकी बातें आप मेरे घर वालों से कर लीजिए हाँ ठीक है बेटा मैं उससे बात करके तुम्हें फोन करता हूँ ठीक है मामा जी अब मैं चलता हूँ अरे नहीं बेटा खाना खाकर जाओ नहीं रहने दीजिए मुझे ड्यूटी पर जाना ओके थोड़ा जल्दी में हूँ ठीक है बेटा जाओ ठीक है नमस्ते Thank you.
प्लीज का पैर फोन उठाओ। हेलो कबीर, कबीर मुझे भूल गई ना तुम? नहीं सब क्या करो नहीं भूल सकती, तुम्हारी आवाज सुननी थी इसीलिए फोन। चारू अब मैं सब कुछ क्या बोल रही हूँ क्या बोल रही हो चारू तुम? तुम्हारे बिना नहीं जी सकती कभी, इसलिए मर जाना ही ठीक रहेगा। हम मर नहीं सकते तो फिर यहाँ से कहीं चले जाते हैं? जाएंगे, कल नहीं तो परसों हम लोग जरूर चले जाएंगे। पापा, ये काम आप क्यों कर रहे हैं? ये काम तो हम ही कर सकते हैं ना? बचपन से मैं तुम लोगों के लिए पानी गर्म करता आ रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों को ठंडे पानी से नहाने की आदत नहीं है ना। पानी गर्म करके मैंने बाथरूम में रख दिया। जाओ 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 नहा लो। क्या है बेटा, कोई बात है क्या? वो आज एग्जाम है पापा। अच्छा अच्छा, पढ़ाई अच्छे से की है ना? खूब ध्यान लगा के लिखना, तू बहुत जल्दी डॉक्टर बनेगा। ठीक है पापा, मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ ऐसे नहीं बोलते, आ रहा हूँ ऐसा बोलकर बाहर निकलते हैं बेटा। हाँ ठीक है, जा बेटा जा। हाँ जा। कहाँ जा रही हो? कॉलेज जा रही हूँ पापा। ठीक है चारू, तुम कॉलेज ही जा रही हो ना? तो फिर ये बैग किस लिए? फ्रेंड का बर्थडे है, उसकी प्रेजेंट है। अब ठीक है जाओ। तुम जाओ। ठीक है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? पूरी दुनिया बोलती है कि लड़का लड़की एक समान है, लेकिन जिसकी लड़की वही समझ सकता है लड़की होने का दुख। आज चारू को देखकर मुझको बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पता नहीं अब क्या होने वाला है। वो उस लड़के को भूल गई है। Thank you.
वेलकम सर, यू वांट एसी और नॉन एसी? एक्चुअली वी आर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. हाउ मेनी डेज यू वांट? वन डे. ओनली वन डे? यू हैव आईडी कार्ड? या, है ना, ये लीजिए. साइन प्लीज. थैंक यू सर. 2000 रुपीस. या, ओके, ये लीजिए. थैंक यू. आई हैव अ ग्रेट डे बोथ ऑफ यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. चलो. सर, ये आपका रूम है. ओके. सर, ये मेन्यू कार्ड है. आपको अगर चाय, कॉफी, कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बुला लेना. बताएंगे. ओके सर. थैंक यू. ओके ओके. चारू, हमने कोई गलती तो नहीं की ना? गलती तो है, पर हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था. तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर किस बात का? एक दिन तो हम सबको मरना ही है ना. जिसे जानती नहीं हूं, जिसे प्यार नहीं करती, उससे शादी करके रोज रोज मरने से तो अच्छा है कि तुम्हारा हाथ पकड़कर, तुम्हारे कंधे पर सर रखकर शांति से मर जाऊं मैं. तुम्हारे साथ जी नहीं सकती तो कम से कम तुम्हारे साथ मर तो सकती हूं ना मैं. ये लो, रखो, चलो जाओ. थैंक यू. कौन आ गया? हाँ, खोल रहा हूँ. क्या हो गया? चलो बोतल निकालो. डालो उसमें. अरे आराम से भी. कबीर, कबीर! हे, ये बहुत चिल्ला रही है, इसका मुंह बंद कर. हे, चुप! चिल्लाना बंद कर, खाली फूकर चिल्ला रही है. Charu!
चारू 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 चलो। हाँ। हमने मरने का फैसला किया है ना? हाँ। चलो तो चलो कहीं दूर चले जाते हैं और मर जाते हैं। हमारी लाश भी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। चलो चलते हैं।
ये क्या सुबह सुबह ही पी करके बैठ गए तुम? ये मुंह पे किसने काटा? ये सब कैसे हो गया तुम्हारा? तेरे को कुछ नहीं मालूम, तेरे साथ होगा तो पता चलेगा। क्यों, क्या हो गया? कल लॉज में हमने जिस लड़की का रेप किया उसके साथ एक लड़का भी था। उस लड़के ने मुझे पकड़ लिया, उसने मुझे बहुत मारा, छाती मारा, मुंह में मारा। मैंने भी रिवॉल्वर निकालकर उसे गोली मार दी। उस टाइम तो वो बेहोश हो गया था, लेकिन अब तक वो जरूर मर गया होगा। वो तो छोटा लड़का है, वो कैसे कर सकता है? ए, क्या छोटा लड़का, वो मेरा गला काटने वाला था, मैं बड़ी मुश्किल से बचा, ये तो भगवान ने मुझे बचा लिया। पुलिस आ रही है, गन छुपा लो। हेलो सर, ये क्या, ये चोट कैसी? कुत्ता घर में पाला है, उसके साथ खेलते समय उसका नाखून लग गया, उसके नाखून लंबे लंबे हैं ना इसलिए। ये कौन है? मेरा दोस्त है, फॉरेस्ट ऑफिसर। ओके सर। लेकिन सर क्या हुआ? आपके होटल की रिसेप्शनिस्ट बानू का किसी ने मर्डर किया है। बहुत अच्छी लड़की थी, किसी ने उसका मर्डर किया होगा। हाँ। ओके सर, आपको डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। ओके सर। फॉरेन आइटम है, एकदम कूल, सुपर। क्या क्यों रे, ऐसे पिएगा तो तबीयत खराब हो जाएगी, इसमें पानी मिला। मुझे मालूम है, तू जा। तू क्या समझता है मैं भी तेरे साथ पीने को बैठ जाऊं? अभी टेकलू ड्यूटी पे हूं, नहीं तो एक सांस में घटक जाता। ए, उस लड़की के साथ जो लड़का था वो बहुत खतरनाक है, उसने मुझे मारने की कोशिश की, अब वो तुझे भी मारने की कोशिश करेगा, तो संभल के रहना। तुम जाके डीजल भरा करके लाओ। ठीक है सर। ज्यादा देर तक पानी में रहोगी तो सर्दी हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये सारा पानी जंगल से आता है, ठंडा पानी ज्यादा सर पर लगने से बीमार हो जाओगी। नहीं, अरे माँ को लेके जाओ। कौन हो तुम लोग, क्या कर रहे हो वहाँ पर, जानते नहीं हो? ये तुम्हारे घर का बाथरूम नहीं है, इस जगह पे आने की बिल्कुल मनाही है, मालूम नहीं है क्या तुमको? हेलो सर, मैं जगदीश, BSNL स्टाफ। हेलो, मैं तुमसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ और तुम इधर क्या देख रहे हो? क्यों रे, बड़ा आया डिसेंट, फॉरेस्ट में लड़की लोगों को लाकर नहाते हुए देखकर बड़ा मजा आ रहा है। ए, गलत बात मत करो, ये मेरी बेटी है। बेटी है? ये मेरी बेटी है। बेटी है, देखो तो। हाँ, छोटी सी बच्ची है। छोटी सी बच्ची है ना? ठीक है तो तू तो सही है ना? ए, ए, कुछ मत करना, तो चल तू मेरे साथ। अब देख, ए, ए, छोड़ दे। ओके है ना, मार दूँ से, मार दूँ से, बोल, चल चल तू चल। ए आजा, ए, छोड़ दे, कुछ मत करना, छोड़। चल चल, चल। कोई है? कोई है? छोड़ दे। चिल्लाओ चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ, कोई नहीं आने वाला। अरे छोड़ दे उसे। थैंक्स बेटा। मुझे मारेगा? चलिए जी, जल्दी यहाँ से जाते हैं। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, मार दूंगा। चलिए जल्दी, चलिए जी, तुझे तो मैं मार दूंगा, डुबा के मार दूंगा। Hey!
इंस्पेक्टर कहाँ है? खाना खाने के लिए गाड़ी लेकर के गए सर। उस आदमी को खाने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। फाइल दो मुझे। सर, 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 मेरा नाम जगदीश है सर। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, PSLN स्टाफ हूँ। इट्स ओके, बोलिए। हम लोग जंगल में सामने वाले वाटरफॉल में गए थे। क्या हुआ सर? उधर एक आदमी ने मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची को पकड़ा था और मेरी बीवी को भी पकड़ा था। ओके, रिलैक्स रिलैक्स सर, उसको पकड़ लो सर, पकड़ कर मार डालो सर उसे। ये लड़का है क्या? इस लड़के ने हम लोगों को बचाया था सर। Oh shit! शे, कितनी बेरहमी से मारा है इसे। खून भी ज्यादा नहीं आया बाहर सर। मुझे लगता है खून यहीं कहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं। Come on! साथीदार किधर है? अंदर गया है। हाँ सर। तुम्हारे साथीदार को किसी ने मार डाला है और तुम इधर सो रहे हो। वो मर गया, उसके साथ ऐसे ही होगा, मुझे मालूम था सर। वो ऐसे ही मौत का भागीदार था। उसने और माइकल ने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी है सर। उन लड़कियों के श्राप ऐसे ही नहीं जाएंगे। ये सब किसी को मालूम पड़ा होगा, तभी तो किसी ने उसे मार डाला। पहले ही मारना चाहिए था, लेट हो गया। ठीक है सर, कह दूंगा। ए साहब का फोन था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है बाहर। पुलिस वाले यहाँ कभी भी आ सकते हैं। जो भी बोलना है इशारे में बोलना, अपना मुंह ज्यादा मत खोलना उनके सामने। ओके भाई, ठीक है ना सर? नमस्ते सर। क्या सर, रूम चाहिए क्या? एसी वाला चाहिए या नॉर्मल चाहिए, बताइए सर। बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है। तुम्हारा मालिक माइकल कहाँ है? हाँ भाई, काला वाला टकलू बुढ़ा। सर हमारे बॉस के बारे में ठीक से बात कीजिए सर। बॉस के बारे में ठीक से बात कीजिए सर। ठीक से बात करना है? सीधी तरफ बता कहाँ है वो? बता। लेकर जाओ। अब पुलिस की मार पड़ेगी ना, तब पता चलेगा तुम्हें। यहाँ का काम तुम ही देखते हो ना। बता बता, लेके जाओ इन्हें, लेके जाओ। छोड़िए सर। हे वीरू, वो मुझे ढूंढने यहाँ जरूर आएगा। वो इधर आया तो उसी समझ को काट कर फेंक दूंगा, देख लूंगा उसका शरीर भी जला दूंगा मैं। उधर ही बैठ, कोई आया तो भागना नहीं। ठीक है बॉस, ठीक है। सर अभी इधर क्या हो रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट है कि नहीं? आपके सारे सवालों का जवाब मेरे पास है। एक्चुअली कबीर गुनेगार नहीं है, गुनाह किसी और ने ही किया है। फॉरेस्ट ऑफिसर और माइकल, दोनों ने गुनाह किया है। माइकल ने ये रिसॉर्ट उसी धंधे की वजह से खोला। यहाँ लवर्स, यंग कपल्स, सबका डिटेल्स भानु ही देती थी। इन्होंने बहुत से लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी। उनका धंधा चौपट ना हो जाए सोचकर उन्होंने बात दबा कर रखी। कबीर और चारू का केस ऐसा नहीं था, वो यहाँ पर सुसाइड करने के लिए आए थे। तब माइकल ने और नरेंद्र ने मिलकर चारू का रेप किया। जब ये बात कबीर को पता चली तो उसे गहरा सदमा पहुंचा। फिलहाल कबीर ने नरेंद्र और भानु को तो मार ही दिया है, अब कबीर का नेक्स्ट टारगेट है माइकल। इससे पहले मैं कबीर को और माइकल को अरेस्ट कर लूंगा। इसके अलावा दूसरा रास्ता, मैंने कहा था ना हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। पापा, माँ सही कह रही है। पापा, बोल बोल बोल, माइकल कहाँ है? बोल बोल। Thank you.
रुक जा, क्या पागल है, इतनी जोर से दरवाजा ठोक रहा है, आ रहा हूँ। ए वीरू क्या हुआ? दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं ऐसा मत कर, क्या कर रहा है? नहीं नहीं ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ये सब क्या कर रहा है? नहीं नहीं ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, मुझे माफ कर दे यार। देख मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल सुधर जाऊंगा। ये क्या कर रहा है? अरे तू क्या कर रहा है? देख नहीं नहीं ऐसा मत कर, नहीं 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 ऐसा मत कर, नहीं नहीं नहीं
तुम्हें अकल है या नहीं? एक चोर को भागने में मदद की हाँ, तू कैसा पुलिस वाला है? नहीं सर, मैंने एक पुलिस वाले जैसा नहीं किया। मेरी भी एक जवान लड़की है सर, अगर उसके साथ ऐसा होता तो मैं भी ऐसा ही करता सर। ये लड़का बिल्कुल सही कर रहा है सर, उसे जाने दीजिए सर। अब वो जी कभी क्या करेगा? किसी और के साथ अगर ऐसा होता तो वो भी ऐसा ही करता। ऐसे आदमी का साथ दे के मैंने कोई गलती नहीं की। तो फिर ये न्याय, ये कोर्ट कचहरी किसके लिए है? किस लिए है बताऊं? से लूट करने के लिए, मदद करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए। दिल्ली में 5 लोग मिलके एक लड़की का रेप करते हैं, उस लड़की की जिंदगी कैसे होगी सर? उसकी फैमिली कैसे जिएगी? क्या उसे न्याय मिला होगा सर? इस रोज रोज के अत्याचार को न्याय कौन दे रहा है सर? गुनहगार को उसी वक्त मार देते तो कोई भी गुनहगार गुनाह करने से डरता। सोच के देखिए सर, सोच के देखो। तुम अपनी नौकरी खो दोगे। कोई बात नहीं सर, अपने दिल में ये सवाल रखकर मैं ये नौकरी नहीं कर सकता हूँ सर। गुड बाय सर। सर लगता है वो खुदकुशी करने जा रहा है। सर नहीं, रुको,